तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के रिजल्ट्स के ऊपर, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे उनकी फाइनल प्रेडिक्शंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइज आज रात 9:30 बजे सोनी 10-1 के ऊपर ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल आने वाली है। सबसे पहला मैच जो इस ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में हमें देखने को मिलेगा वो है दोस्तों क्रूजर वेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच जो होगा सेड्रिक अलेक्जेंडर जो कि करंट चैंप है वर्सेस खलिस्तो के बीच में। अब बात की जाए इस मैच की तो हाल ही में सेड्रिक अलेक्जेंडर चैंप बने हैं, तो दोस्तों यहां बहुत कम चांसेस है कि वो टाइटल लॉस करेंगे और यहां वो रिटेन कर जाएंगे अपनी चैंपियनशिप। अब हम चलते हैं दूसरे मैच के ऊपर जो कि होने जा रहा है US चैंपियनशिप के लिए। ये फाइट होगी जेफ हार्डी जो कि चैंपियन है वर्सेस मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल के बीच में। अब बात की जाए इस मैच की तो गाइज यहां जेफ हार्डी जो कि स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट हुए हैं और जिंदर महल जो कि रॉ का पार्ट है, तो दोस्तों यहां बहुत कम चांसेस है कि वापस टाइटल जाएगा रॉ के अंदर। सो दोस्तों यहां साफ है कि जेफ हार्डी अपना टाइटल आसानी से रिटेन कर जाएंगे और उनकी इस मैच में जीत होगी। अब हम चलते हैं तीसरे मैच के ऊपर जो कि होगा दोस्तों वैकेंट रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। जैसे कि आप जानते हैं टाइटल वैकेंट है और यहां फाइट होने वाली है द बार वर्सेस मैट और ब्रे की टीम के बीच में। अब रूमर्स की बात माने तो दोस्तों यहां द बार भी जीत सकती है, क्योंकि अगर द बार यहां जीतती है तो वापस वो ड्राफ्ट हो जाएगी रॉ के अंदर। लेकिन दोस्तों यहां पर्सनली मैं ये सोचता हूं कि यहां ब्रे वाइट और मैट हार्डी की ही जीत होगी और वो बनेंगे न्यू चैंपियन। अब हम चलते हैं अगले मैच के ऊपर जो कि होने जा रहा है IC चैंपियनशिप के लिए एक फैटल फोर वे लैडर मैच। तो दोस्तों ये मैच सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है और इस मैच में काफी बड़ी बड़ी चीजें काफी बड़े स्टंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वेल बात की जाए बैटिंग गॉड्स और सोर्सेस की तो यहां सिर्फ एक विनर माना जा रहा है दोस्तों और वो है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, यानी कि यहां सेथ रॉलिंस अपना टाइटल जस्ट ऐसे रिटेन कर जाएंगे। अब हम चलते अगले मैच के ऊपर जो कि होने जा रहा है स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए और ये मैच होगा ब्लजन ब्रदर्स वर्सेस उसोस के बीच में। तो दोस्तों यहां WWE ब्लजन ब्रदर्स को काफी स्ट्रांग दिखा रही है और यहां उनका मोमेंटम नहीं रुकने वाला है और मेरे अनुसार यहां ब्लजन ब्रदर्स की ही जीत होगी। अब हम चलते हैं अगले मैच के ऊपर जो कि होने जा रहा है द अंडरटेकर वर्सेस रूसेफ के बीच में। तो गाइज अंडरटेकर जो कि इस साल दूसरी फाइट हमें देने वाले हैं वो इस मैच में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वहीं रूसेफ को भी हार से काफी बड़ा पुश मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां ऑब्वियस है कि यहां द अंडरटेकर की ही जीत होगी। अब हम चलते हैं अगले मैच के ऊपर जो कि होने वाला है क्लासिक मैच और ये मैच होगा दोस्तों ट्रिपल एच वर्सेस जॉन सिना के बीच में। अब दोस्तों ये एक एंटरटेनिंग मैच इसलिए होगा क्योंकि इस मैच में दोस्तों कोई भी टाइटल दाव के ऊपर नहीं है। हालांकि बात की जाए दोनों सुपरस्टार्स की तो दोनों की काफी बड़ी हिस्ट्री रही है, लेकिन दोस्तों यहां जॉन सिना अगर जीतते हैं सऊदी के अंदर तो दोस्तों वहां के लोगों के लिए ये काफी बड़ी चीज होगी, क्योंकि जॉन सिना जो कि लगभग एक दशक से चैंप रहे हैं वो वहां के कई लोगों के लिए बहुत बड़ा नाम है, काफी लोग उन्हें चाहते हैं दोस्तों। तो यहां जॉन सिना को मैं पिक करूंगा और जॉन सिना इस मैच में जीतेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं अगले मैच के ऊपर जो कि होने जा रहा है WWE चैंपियनशिप के लिए एक फाइट और ये होगी द फेनोमिनल वन AJ स्टाइल्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच में। अब बात की जाए इस मैच की तो दोस्तों यहां जो ग्रेट हील टर्न लिया शिंसुके नाकामुरा ने वो एक सबूत है कि इनकी जो राइवलरी है ये अभी WWE और घसीटेगी, काफी लंबी चलेगी दोस्तों। तो यहां शिंसुके की जीत मुश्किल है क्योंकि इनकी राइवलरी लंबी चलने वाली है, काफी पेपर व्यूज एक दूसरे के खिलाफ देंगे। तो दोस्तों यहां AJ स्टाइल्स ही विजय होंगे और वो अपना टाइटल रिटेन कर जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले मैच के ऊपर जिस मैच के ऊपर ज्यादातर लोगों की नजरें टिकी होगी और ये मैच है दोस्तों द ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस द स्टील केज मैच। तो दोस्तों यहां यूनिवर्सल टाइटल दाव के ऊपर है, एक रीमैच है रेसलमेनिया 34 का और दोस्तों यहां सारी की सारी नजरें इन दोनों सुपरस्टार्स के ऊपर है। काफी मुश्किल है इस मैच की प्रेडिक्शन करना, लेकिन दोस्तों यहां बैटिंग ऑड्स और सोर्सेस की माने तो यहां रोमन रेंस की जीत हो सकती है क्योंकि ये उनके लिए एक आखिरी मौका है और यहां उन्हें ब्रॉक लेसनर को हराने की जरूरत भी नहीं है, वो यहां स्टील केज को टाप के यानी कि लांग कर भी जीत सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं अगले मैच के ऊपर जो कि होने जा रहा है 50 मैन ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल। तो दोस्तों इस रॉयल रंबल में WWE ने कई लेजेंड्स को कंफर्म कर दिया है, जैसे कि मार्क हेनरी, रे मिस्टीरियो और ग्रेट खली इस मैच में होंगे ही होंगे, यानी कि 100% हमें उनकी एंट्रेंस देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों दो रेसलर्स और है जो कि यहां पार्ट हो सकते हैं। पहले रेसलर दोस्तों शॉन दैवारी और
दूसरे रेसलर दोस्तों हॉर्नस्वागल। तो दोस्तों यहां इन्हें स्पॉट किया गया है सऊदी के अंदर, लेकिन बात की जाए कि कौन इस रॉयल रंबल को जीतेगा, कौन विनर होगा 50 मैन ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल का और घर ले जाएगा ये ट्रॉफी, तो दोस्तों इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि ऊपर आ रही है, आई के बटन पे क्लिक कीजिए और आप जान जाएंगे कि किन किन रेसलर्स के मैक्सिमम चांसेस है। लेकिन दोस्तों एक सवाल जो कि इससे भी बड़ा है, और ये सवाल ये है कि इस पूरे पेपर व्यू में आपका सपोर्ट किस एक रेसलर को रहेगा, ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर, बैंक।